बात हुई थी गोविंद देव जी मंदिर से, कहां तक पहुंचा है ये काफिला? देखिए प्रियंका, मैं आपको दिखाना चाहूंगा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ये काफिला रोड शो के रूप में गोविंद देव जी मंदिर से शुरू हुआ था, उसके बाद झूलेलाल मंदिर पहुंचा, फिर काले हनुमान जी के मंदिर और उसके बाद चांदी की टकसाल होते हुए बड़ी चौक पर क्रॉस कर चुका है। अभी फिलहाल जोहरी बाजार में है। मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दृश्य दिखाए जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का रोड शो चल रहा है। पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है पूरे जयपुर शहर के, और जो ये रोड शो हो रहा है जो प्रत्याशी है जयपुर शहर से रामचरण बोरा, उनके समर्थन में ये हो रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, यहाँ पर विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं भाजपा के, यहाँ पर मौके पे मौजूद है। फिलहाल इनका जो रोड शो चल रहा है, जो पूरा रैली चल रही है, वाहनों की है, दुपहिया वाहन भी इसमें है, चौपहिया वाहन भी इसमें है, कार्यकर्ता पैदल भी चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा नजारा है वो है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आपको विद्वेश में दिख रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ओपन जीप में है, और कार्यकर्ताओं यहाँ पर व्यापार मंडल है, जोहरी बाजार की व्यापार मंडल है, उनकी तरफ से भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। पूरी रैली का स्वागत है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी, जहाँ से वसुंधरा राजे खुद निकली है वहीं से हर व्यापार मंडल की तरफ से यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। लगातार ये कार्यक्रम पिछले डेढ़ घंटे से जारी है। 10:15 बजे वसुंधरा राजे की ये रोड शो शुरू हुआ था गोविंद देव जी मंदिर से, इसके बाद अभी तक 3 बाजारों को ये क्रॉस कर चुका है। लगभग 5.5 किलोमीटर लंबी ये रैली होगी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, उनसे हम बात करेंगे किस तरह से वो